कुछ नए मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी ने हमारे क्लिनिकल डेंटल वर्ल्ड को चेंज कर दिया है आज के टाइम के अंदर रेस्टोरेटिव डेंटल प्रोसीजर बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो गया है और इसका एक बड़ा कारण है जिरकोनियम डाइऑक्साइड या जिरकोनिया आज के टाइम के अंदर चाहे वो सिंगल क्राउन हो या मल्टीपल यूनिट ब्रिज हो या फुल माउथ इंप्लांट का केस ही क्यों ना हो सब कुछ जिरकोनिया में बनता है हाय मैं जी डी एस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये, ये जिरकोनिया होता क्या है ये मेटल है या सिरेमिक है और ये जिरकोनिया से हम कैप को कैसे बनाते हैं पहले देखते हैं वाट इज जिरकोनिया जिरकोनियम काफी स्ट्रॉन्ग मेटल है एंड इसके प्रॉपर्टीज टाइटेनियम इस से मैच करती है आज के समय में जिरकोनियम एंड टाइटेनियम दोनों ही इम्प्लान डेंटिस्ट्री में काफी यूज होते हैं क्योंकि ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को इनहिबिट नहीं करते जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन में असेंशियल चीज है ज़िरकोनिया के तीन डिफरेंट फेजेस होती हैं जिसे हम कहते हैं मोनोक्लिनिक टेट्रागोनल एंड क्यूबिक प्योर ज़िरकोनिया रूम टेंपरेचर से 1170 डिग्री सेल्सियस तक मोनोक्लिनिक फेज में रहता है इस टेंपरेचर से ऊपर ज़िरकोनिया टेट्रागोनल फेज में चला जाता है और फिर क्यूबिक फेज में अगर हम जरकोनिया को फिर कूल कर दें तो वो दोबारा मोनोक्लिनिक फेज में चला जाता है और ज़िरकोनिया के अंदर ये चेंजेस प्रॉब्लमेटिक होते हैं जब ज़िरकोनिया क्राउन को बनाने के लिए सिंटरिंग फर्नेस में डाला जाता है तो ये फेज इन फेजिस के कारण आपको डायमेंशनल चेंज मिल सकता है इसलिए जिरकोनिया में कैल्शियम ऑक्साइड यात्रा ऑक्साइड मैग्नीज़ ऑक्साइड जैसे इंग्रीडियंट डाले जाते हैं टू मेक इट ऑक्साइड डालने पर हमें क्यूबिक ट्रांसलूसेंट ज़िरकोनिया मिल जाता है जो काफी एस्थेटिक होता है अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ज़िरकोनिया मेटल है या सिरेमिक इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सिरेमिक की डेफिनेशन देख लेते हैं सिरेमिक इज कंपाउंड ऑफ वन और मोर मेटल विद अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट यूजली ऑक्सीजन दे आर फॉर्म्ड ऑफ केमिकली एंड बायोमैकेनिकली स्टेबल सब्सटेंस दैट आर स्ट्रॉन्ग हार्ड ब्रिटल इनर्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम इस डेफिनेशन को सही मानते हैं तो जिरकोनिया सिरेमिक है ये मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिरकोनियम है पीरियडिक टेबल में ज़िरकोनिया मेटल ग्रुप के अंदर टाइटेनियम के नीचे आता है पर जिरकोनियम ऑक्साइड सिरेमिक बन जाता है मेटल की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है एग्जाम्पल के लिए हार्ड डार्क कलर मेटल है पर ज़िरकोनियम ऑक्साइड वाइट पाउडर है लिथियम भी मेटल है पर लिथियम डाइसिलिकेट ग्लास है जैसे कि ईमैक्स इस तरह से जिरकोनिया भी वाइट पाउडर की तरह आता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी रहता है अब अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ज़िरकोनिया क्राउन बनते कैसे हैं जिरकोनिया क्राउन डिफरेंट मेथड से बन सकते हैं पर मैं आपको हमारी GDS डेंटल लैब का तरीका एक्सप्लेन करूंगा और अगर आप भी बेस्ट ज़िरकोनिया क्राउन बनवाना चाहते हैं तो जी लैब से जरूर कॉन्टैक्ट करें लेट 1990s में जिरकोनिया का यूज डेंटिस्ट्री में स्टार्ट हुआ था नोबल प्रोसीरा जिरकोनिया फर्स्ट पॉपुलर प्रोडक्ट बना फॉलोड बाय लावा टीएम जिरकोनिया आप दो तरीके की जिरकोनिया रेस्टोरेशन बनवा सकते हैं लेड जिरकोनिया और मोनोलिथ जिरकोनिया लेड का मतलब है पहले जिरकोनिया की कॉपिंग बनाई जाती है फिर उस पर पोर्सलिन की लेयरिंग करी जाती है इसका एडवांटेज ये है कि आपको काफी एस्थेटिक रिजल्ट मिलता है पर डिसएडवांटेज ये है सिरेमिक चिप ऑफ हो सकता है या फिर आपको प्रॉपर ऑक्लूजन क्लियरेंस देनी पड़ेगी इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको सिर्फ एंटीरियर केसेस में ही यूज़ करें नेक्स्ट है मोनोलिथिक जिरकोनिया क्राउन इसका मतलब है फुल कंट्रोल क्राउन जो कि हम कैड कैम मिल के द्वारा बनाते हैं पर सिंगल लेयर होने की वजह से ये सर्वाइकल टू ऑक्ल्यूजन एक ही कलर का होता है पर स्ट्रेंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेस ऑक्लूजल क्लियरेंस में भी अच्छा वर्क करता है इसको और एस्थेटिक बनाने के लिए एक्सटर्नल स्टेन का यूज करना पड़ता है मेरी एडवाइज माने तो पोस्टीरियर में आप सिर्फ स्टेन मोनोलिथिक क्राउन ही दें पर टाइम के साथ हम मोनोलिथ क्राउन को एस्थेटिक बनाना चाहते हैं और मोर ट्रांसलूसेंट इसलिए अब काफ़ी सारी कंपनीज लेड कंपोजिट ब्लैंक्स बनाती हैं जिनकी ट्रांसलूसेंसी भी अच्छी है पर ये जिरकोनिया क्राउन काफ़ी कॉस्टली हैं लास्ट में एक बार लैब प्रोसीजर भी देख लेते हैं जरकोना क्राउन बनाने के लिए फर्स्ट स्टेज में आप क्राउन प्रिपेशन करके इंप्रेशन लैब में सेंड करते हैं सेकेंड स्टेज में हम मॉडल प्रिपेयर करते हैं मार्जिन को डिफाइन करते हैं कास्ट पर डाइप इन एंड आर्टिकुलेट करते हैं थर्ड स्टेज में मॉडल को स्कैनर में डालकर वर्चुअल थ्री मॉडल तैयार करा जाता है एंड उस पर टेक्नीशियन क्राउन या कॉपिंग को डिजाइन करता है फोर्थ स्टेज में मैं आप जिस कंपनी का क्राउन चाहते हैं उसका ब्लॉक मिलिंग मशीन में डालकर कट कर दिया जाता है फिफ्थ स्टेज में फ्रेंड्स इस, इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर आप अपनी कोई स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं एंडोडोंटिक्स में प्रोस्थोडोनटिक्स में ऑर्थोडोंटिक्स में या इम्प्लांटोलॉजी के अंदर तो जी डेंटल एकेडमी को कांटेक्ट करें Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.